अब तो मिर्च मसाला लगा करके बोलने में हमको मज़ा नहीं आता है। जब मैं मरूं तो ये बातें आ जाए कि करा से डर लगेगा। तो जैसे उनके बाद पवन सिंह आए, खेसारी लाल यादव जी आए, और भी जो कलाकार होंगे वो आपके तरह नमक हराम नहीं बनेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉक विथ अभी यूट्यूब चैनल, और आज हमारे इस चैनल पर बात करने के लिए मौजूद हैं संतोष रेणु यादव जी। जी हाँ, वही संतोष रेणु यादव जो कि एक भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर भी हैं और अहिरान स्टार के नाम से भी जाने जाते हैं। अभी इनका कई सारा ऐसा सॉन्ग है अहिरान पे जो कि बहुत ज़्यादा बजा है और काफ़ी फेमस है, और ये थोड़े बहुत क्या या पूरा कह सकते हैं बहुत बेबाक अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। तो संतोष रेणु यादव जी से आपका मुलाकात करवाते हैं, सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को देखने वाले जितने भी हमारे भगवान रूपी श्रोता समाज हैं उनको आपके संतोष रेणु यादव की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। एक इनका मुझे बहुत अच्छा एक चीज़ लगता है, वो मैं अभी ज़रूर करवाऊंगा, जब आप लाइव आते हैं तब जैसे आप दर्शकों को संबोधित करते हैं शुरुआत में, जरा वो दो लाइन जरा बोलिए। हेलो हाय, मैं संतोष रेणु यादव आपका हमदम आपका दोस्त भोजपुरी का। ये तो ये चीज़ था, ये हम सुनना चाह रहे थे थोड़ा, क्योंकि ये जब आते हैं तो ये लाइन बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, कुछ सवाल पूछेंगे, आप पूरा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने अगर इस वीडियो को खोल लिया है तो इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे सवाल होंगे जो कि मैं संतोष रेणु भैया से पूछूंगा और ये उनका जवाब जरूर देंगे, मुझे आशा है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ पे चेस्ट पे देख रहे हैं अहिर रेंजमेंट, टोपी देख रहे हैं, क्या है सर ये सब? जैसे ये हमारी मांग है, और अहिर रेंजमेंट चूँकि मैं अहिर हूँ, मैं अहिर कुल खानदान से मैं आता हूँ, हमारी इतिहास गौरवशाली रही है, हमारे पूर्वजों के द्वारा बहुत सारी कुर्बानियाँ दी गई है देश की सुरक्षा में, देश को बनाने में, देश को आज़ाद कराने में, जो कि रेजांगला अहिर धाम इसकी निशानी है, जहाँ पे हमारे 114 वीर पूर्वज अपनी जान की बाजी गवा करके भी चाइनीज सैनिक को देश में आने से रोक दिए थे, घुसने से रोक दिए थे। तो उनकी उन शहादत को याद करते हुए उनको सम्मान दिलाने के लिए हम सब जितने भी जो देशभक्त हैं, चाहे वो अहिर समाज से हों या किसी समाज से हों, वो अहिर रेजिमेंट की मांग करते हैं, क्योंकि वो जो 114 जो अहिर समाज के लोग जो अपनी जान की बाजी लगा करके देश की रक्षा किए थे, वो सिर्फ अहिरों की रक्षा नहीं किए थे, पूरे देश की रक्षा किए थे, जिसमें सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग समाहित हैं। आपसे मैं पूछना चाहूँगा सर कि इतना बेबाकी से आप कैसे बोल लेते हैं? अब तो मिर्च मसाला लगा करके बोलने में हमको मज़ा नहीं आता है जी। हमको जैसे देखिए, मैं कभी भी हार्ट ब्लॉक करके मैं नहीं मरना चाहता हूँ, मैं हृदय को मैं बहुत साफ रखता हूँ, ऐसा नहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए और जब मैं मरूँ तो ये बातें आ जाए कि नहीं हार्ट अटैक हो गया संतोष रेणु को, ये चीज़ें नहीं होती। इसलिए मैं अपने हृदय को मैं बिल्कुल खुल्लम खुला रखता हूँ, और बेबाकी तरीके से जो आता है, जो सच्चाई होती है, बिना कुछ नमक, बिना कुछ वो क्या बोलते हैं बटरिंग किए हुए, मैं बोल देता हूँ, मैं खड़ा करता हूँ। डर नहीं लगता है सर? किकरा से डर लगेगा? दादा श्री कृष्ण हैं वहाँ पे, वो जानते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा खानदान है, मेरा खून है, और वो मेरी रक्षा कर लेते हैं। ऐसा नहीं डर लगता है कि कहीं देखिए गाना पे रिपोर्ट मरवा देता है अभी आपका? तो गाना पे रिपोर्ट मारता है तो हमारे पब्लिक लोग क्या उससे कमज़ोर से थोड़े पड़ गए हैं? आज आप जा कर के देखिएगा कि उसका सब सबूत है, आप यूट्यूब पे जा कर के देखिए तो लगभग 1 मिलियन गाने जिनके व्यू होते हैं, 1 मिलियन व्यू पे करीब 10,000 के आसपास लाइक आते हैं, अगर बहुत अच्छा आया तो। लेकिन मेरा संतोष रेणु ऑफिशियल आप जा कर के देखिए, उस पे जो लाइक का जो बरसात हुआ है उससे आपको एहसास हो जाएगा, जैसे 10,000 लाइक जब हुआ तो 1 मिलियन दूसरे लोगों के लिए होता है, जो स्टार स्टार की मैं बात कर रहा हूँ, तो 40,000-50,000 लाइक है तब तो 5 मिलियन के आसपास हुआ ना। लेकिन मैं लाइक ऐसे नॉर्मली तो नहीं आएगा, नॉर्मली तो नहीं आएगा। अब 40,000-50,000 लाइक मेरे उन गानों पे आ रहा है जिसका व्यू है 4,00,000-3,50,000, तो जाहिर सी बात है कि वो 40,000-50,000 लाइक जो हुआ, गाने आप दोबारा सुन सकते हैं लेकिन लाइक तो एक सही बात ही कर सकते हैं आप। सही बात है। तो हमें अपने ऑडियंस पे भरोसा है, और इन्हीं के बदौलत हम हैं, हम एक ऐसा कलाकार हैं
जो अगर ये हैं तो हम हैं और मेरी ज़िंदगी इनके लिए नौछावर है, सिर्फ कलाकारी नहीं कलाकारी के अलावे भी। बहुत 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 धन्यवाद, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जो कि आप पे वाकई अंदाज के लिए जाने जाते हैं, आपका हर एक कलाकार से समझिए तो मतलब समझ लीजिए आपको जहाँ भी कुछ गलत हो रहा है वहाँ आपकी राय आनी तय है, आनी तय है। तो अभी क्या कहेंगे आपके ही इंडस्ट्री के दिनेश लाल यादव निरहुआ जी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं? स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, पिछला बार भी हारे थे, इस बार भी हारेंगे, अगला बार फिर आएंगे, फिर हारेंगे, फिर आएंगे, फिर हारेंगे। उनका आना जाना, चुनाव लड़ना हारना, ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये उनके जीवन में शामिल हो चुकी है। जैसे है क्या कि जीवन में मान लीजिए कि ठीक है बुजुर्ग अवस्था में आ गए, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना है ना, कुछ ना कुछ तो वो अभी भी चाहते हैं कुछ करें। अलग बात है कि फिल्मों में उनको अब ऑडियंस जो है जहाँ तक प्यार देना था बहुत प्यार मिला उनको, लेकिन अब उनकी फिल्में नहीं चलती है, ऑडियंस उनको जैसे चाहते हैं कि नहीं भाई अब जो नए नए जो बच्चे हैं अब उनको जैसे ऑडियंस जैसे प्यार करने लगे हैं। जैसे उनके बाद पवन सिंह आए, खेसारी लाल यादव जी आए, तो इन लोगों को प्यार मिल रहा है, उनके बाद भी और लोग जो आए हैं उनको भी प्यार मिल रहा है। तो अब सब दिन आप ही स्टार नहीं रहिएगा, तो आपको ऑडियंस जब जिस तरीके से वहाँ से आपको अब काम मिलना बंद हो गया है, तो आप सोचे कि पॉलिटिक्स में आकर ये कुछ कर लें, तो यहाँ भी अच्छी नीति के साथ आई है, बेहतरीन नीति के साथ आई है। आप यहाँ पे समाज की बेटी बहनों की चीख को आप नज़रअंदाज करेंगे और राजनीति करेंगे, उस पर बोलेंगे कि समाजवादी पार्टी 50 साल तक नहीं आएगा। तो पिछला बार भी आप बोल दिए थे कि हम विधि का लेखे मिटा देंगे, तो लेख का मिटाए आप लकीर में मिटाने की बात किए थे, वह आज आपको आजमगढ़ की जनता फकीर बना करके भेजा दी। तो इस बार भी बोले हैं कि 50 साल तक समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आएगी। हम भगवान से कामना करेंगे कि आप 50,000 साल जिंदा रहिए और समाजवादी पार्टी की सरकार आपको जो यश भारती का सम्मान जो दिया वो आप 50,000 साल तक जिंदा रहिए और देखिए कि वही समाजवादी पार्टी की सरकार और भी कितने कलाकारों को सम्मानित करेगी और भी जो कलाकार होंगे वो आपके तरह नमक हराम नहीं बनेंगे, बल्कि जो उनको सम्मानित की सरकार उस सरकार की नमक का फर्ज अदा करेंगे, वैसी जनता की नमक का कर्ज चुकाएंगे जो जनता उस सरकार को बनाई जिस सरकार ने हम कलाकारों को आपको यश भारती का पुरस्कार दिलवाया। संतोष रेणु यादव कब चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए हम इन चीज़ों पे विशेष कुछ इसे भरोसा नहीं रखते हैं, इससे जीवन है, हो सकता है कभी लड़ भी जाएंगे, जब जनता की जब इच्छा होगी तो लड़ भी जाएंगे, लेकिन कभी भी चाहे चुनाव लड़ें या ना लड़ें, एक कलाकार के रूप में, एक नेता के रूप में या एक किसी भी बेटा के रूप में, मैं हमेशा मैं जन सेवा में मैं विश्वास रखता हूँ। और ऐसा थोड़े है कि एक नेता बनकर कि थोड़े हम मैंने अपने समाज की सेवा कर पाएंगे, हम आज भी जहाँ तक हमको होता है हम करते रहते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि पब्लिसिटी स्टंट करते हैं बस चेहरा चमकाने के लिए, कुछ तो कर रहे हैं ना चेहरा चमकाने के लिए, लोग तरह तरह क्रीम लगाते हैं, हम बोल ही के चमका लेते हैं तो क्या दिक्कत है, लोग और भी लोग बोल बोल के। आप सब लोग बोले कि सोनू को आप 21,000 रुपया दिए थे ना? तो बोल रहा है कि पैसा ये नहीं है बस, खाली बस दिखाने के लिए। कोई बात नहीं है, जैसे कम से कम दिखाने के लिए वो लोग भी चले जाते, सोनू के पास जा कर के पूछिए, सोनू के जैसे जो उनके, मैं आपको जब ये बात आपने कहा तो संतोष रेणु यादव प्रूफ के साथ चलता है, इसके लिए मैं भी गवाह हूं। संतोष रेणु यादव जो है वो प्रूफ के साथ चलता है और मैं आपको दिखाता हूँ सोनू, है ना? जी जी, मैं आपको सोनू 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 हम दिख रहा है, ये सोनू, ये सोनू कुमार का ही, हाँ जी जी है ना, जी जी कैनरा बैंक का है, हाँ कैनरा बैंक का है, लास्ट में 9457 उनका अकाउंट नंबर का है। 21,000 रुपया, 21,000 रुपया है ये, कितने तारीख को गया ये देख लीजिए, ये गया 25। इतना सबूत काफ़ी है सर, हम देख पा रहे हैं ना, तो जैसे हम हमको सब झूठ तूठ नहीं बोलना आता है, हम जो हैं भाई हम 21 लाख के बराबर के कैपेसिटी वाले होते तो 21 लाख भी दे सकते थे, हमको लगा कि 21,000
कि मेरी कैपेसिटी है, मैं उतना दे सकता हूँ, तो मैंने दिया। और वो 21,000 कहाँ से आया है? वो 21,000 ऐसा थोड़े है कि हम कोनो मंत्री हैं, कोनो घोटाला करते हैं, हैं, कोनो कमीशन हमारा आता है, कोनो अफसर तो है नहीं कि जिसका पेमेंट हमको आता है। जैसे हम वही जो पब्लिक हैं, हमारे जो भगवान रूपी श्रोता समाज हैं, वो लोग हमारे गाने को सुनते हैं, संतोष रुनो ऑफिशियल पे जाते हैं ढूंढ ढूंढ करके, और कहते हैं कि नहीं भाई का गाना है, भैया का गाना है, बेटा का गाना है, वो सुनते हैं, उसी से पैसा मुझे आता है। तो है क्या कि लोगों को मेरे पे भरोसा है, मैंने उनके नज़रों में अपने आप को उस तरह का बनाया है। तो आज लोग ऐसे आपको 1 रुपया कोई देंगे? सही बात है। अगर 10,000 दे रहे, एक जगह से मुझे 53,000 रुपया आया था फंडिंग के रूप में, तो वो पैसा आया, तो वो पैसा फिर कहीं ना कहीं समाज के बीच जानी चाहिए। मुझे जीने के लिए क्या है? मुझे जीने के लिए दाल रोटी चल रहा है, काफ़ी है। हमको नहीं चाहिए कि हाँ हमको मैंने हाई फाई मुझे नहीं चाहिए लाइफ। ये टी शर्ट ये मेरा खरीदा हुआ नहीं है, ये भी मेरे जो चाहने वाले हैं, मुझे जो प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनका खरीदा हुआ है, ये भी उनका खरीदा हुआ है, ये भी उनका खरीदा हुआ है। हमको क्या चाहिए? जो हमको चाहिए होता है जीवन जीने के लिए, हमको मिल जाता है वहाँ से। एक सवाल जो सभी लोग पूछते हैं, सही में भोजपुरी में अश्लीलता है? कहाँ आपको लगता है, कहाँ मैंने किस टाइप से मैंने आपको लगता है कि भोजपुरी में अश्लीलता है? लोग कहते हैं, मैम तो सवाल पूछ रहे हैं, लोग कहते हैं कि भोजपुरी में बहुत अश्लीलता है, मतलब फोड़पन है, मतलब समझ जाइए कि भोजपुरी गाना नहीं सुनिए, फिल्म नहीं देखिए कि आप वो वाला फिल्म देखिए, बात बराबर है। तो जैसे मैंने जो भी लोग बोलते हैं, तो इसका मतलब कि हाउ वाला फिल्म देखने का उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना, तब भी वो लोग बोलते होंगे। और हमको तो हम हाउ वाला फिल्म हम देखे नहीं हैं, और हम देखने की इच्छा भी नहीं रखते हैं। हम भोजपुरी में हम हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से जी खा रहे हैं और लोगों का प्यार पा रहे हैं, और भोजपुरी मेरी बहुत अच्छी है। भोजपुरी में जो कलाकार हैं वो लोग भी इसका विरोध करते हैं, भोजपुरी में अश्लीलता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भोजपुरी में नहीं है अश्लील? हो सकता है उन कलाकारों को लगा हुआ कि अश्लीलता है, लेकिन हमें तो नहीं लगता है। हमें तो मैं खुश हूँ, मैं भोजपुरी से मैं इतना कुछ मैं पाया हूँ, आज मैं इस लेवल तक हूँ, ये भोजपुरी का देन है ना, भोजपुरी का ऑडियंस का देन है। तो भोजपुरी में अश्लीलता नहीं है, और अश्लीलता अगर जहाँ पे होती है, देखिए कुछ बातें हो जाती है कभी कभी जो आप नहीं भी चाहते हैं, अनैच्छिक प्रक्रिया हो जाती है, तो वो जो कार्य हैं, तो उन कार्यों को हमारे ऑडियंस भली भांति देख रहे हैं, उनको जो सुनना होता है वो सुनते हैं। उनको अगर भोजपुरी में सिर्फ अश्लील ही गाने बजते तो फिर मेरा गाना जो है कि जैसे तोर मर्दा है, या मान लीजिए कि हाँ अहिर के असली बेटा में उस पर फ़र्क ना पड़े, वो भी जातिवाद नहीं है, या अभी जो अग्निपथ का जो गाना है, गाना भी सुनेंगे सर, हाँ देशवा गुलाम हो जाए, तो फिर ये क्यों बज रहे हैं? अगर अश्लीलता ही लोग सुनते तो फिर ये तो नहीं सुनते, तो अश्लीलता नहीं है, लोग अच्छे गाने सुनते हैं। जी अगला सवाल, मगहिया जवान जेल में खुश तो पूरा होंगे आप? देखिए खुश मुझे होने का या नहीं होने का कोई विशेष वजह नहीं है। जैसे जेल में गया, कानून को लगा कि हाँ उसने गलत किया, वो जेल में गया। किसके तरफ से जेल में गए? कहा जा रहा है कि वो अश्लीलता के ऊपर नहीं जेल में गए हैं, वो कुछ बोले थे उसके कारण जेल में गए। नहीं वो तो अब कौन लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन वो तो जैसे उसका एक बाइट मेरे पास आया था, हमारे एक भाई हैं जो शेयर किए थे, उसमें वो बोला कि नहीं ये समय इस मामलों में हम नहीं गए जेल, हमारे पास कोई दूसरा मैटर था, 5-6 महीने पहले का मैटर था, तो हमें जैसा कि सुनने में एक बार आया था, जैसे मीडिया चैनल के द्वारा ही या कहीं भी मैं सुना था कि वो अपनी चचेरी बहन को शायद भगा करके लेके चला गया था शादी के नियत से, तो हो सकता है कि वो मैटर होगा, मैं दावे के साथ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि वो मैटर भी हो सकता है। अभी तो उसके जेल जाने के बाद उसके सास और ससुर बहुत सारा खुलासा हो रहा है, हाँ ससुर जी से भी बहुत सारा पूछताछ किया गया, और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भी बहुत रो रो करके उसके बारे में बताया कि उसकी कैसी नियति रही है, कैसी ज़िंदगी रही है। तो अब उसके घर में विद्रोह होने लगा है, तो उसकी जो खुद उसकी पत्नी जो है वो जब उसके खिलाफ़ खड़ी हो गई हैं, तो हम तो विशेष नहीं कुछ कर सकते हैं। इतना कुछ होने के बाद आपको क्या लगता है कुछ सुधार होगा आने, अगर आते हैं बाहर तो कुछ सुधार दिखेगा उसमें? देखिए इंसान होंगे तब तो सबसे पहले आकर के प्रायश्चित करेंगे और माफ़ी मांगेंगे, हैवान होंगे तब फिर हम क्या कहें, संतोष रेणु माफ़ कर देंगे? हम कौन होते माफ़ करने वाले हैं? हमारे जो ऑडियंस हैं
हमारी वजूद क्या है, हमारी औकात क्या है, हमारी औकात हमारे ऑडियंस हैं, हमारे वजूद हमारे ऑडियंस हैं, तो हमारे ऑडियंस से वो माफ़ी मांगे, इंडस्ट्री से माफ़ी मांगे, हम कौन होते माफ़ी, जैसे हम तो जैसे थे वैसे आज भी हैं, हमारी हस्ती ही क्या है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जीरो बराबर सन्नाटा हूँ, अगर ऑडियंस मेरा साथ छोड़ दें तो मैं क्या हूँ, वो ही संतोष रेणु, मैं कुछ नहीं हूँ, तो मेरे ऑडियंस से माफ़ी मांगे, वो ऑडियंस अगर माफ़ कर देती हैं तो फिर अच्छी बात है। अभी जो माहौल चल रहा है देश में उस पर आप क्या कहेंगे, 4 साल 20 लाख रुपया रिटायरमेंट इज्जत प्रतिष्ठा रिजर्वेशन, इस सब पे क्या कहेंगे? हम तो चाहेंगे कि ये सारी बातें, जैसे भाई सरकार इतनी जब भलाई की बातें सोच रही है युवाओं के लिए, तो हम सभी युवा भी कुछ कम सरकार के बारे में नहीं सोच सकते हैं, हम सभी युवा भी सरकार के बारे में सोचेंगे ना, क्योंकि उनका कहना है कि युवाओं के लिए बहुत अच्छी नीति है, तो हम चाहते हैं कि इस अच्छी नीति का फ़ायदा जो सत्ता में बैठे हुए नेता हैं वो भी उठाएं, वो भी जैसे समाज के साथ साथ परिवार भी उनका भी तो है ना, तो जब वो बोल रहे हैं कि युवा के लिए सुनहरा अवसर है कि 4 साल नौकरी करें उसके बाद फैमिली को टाइम दें या किसी दूसरे सेक्टर में उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, तो हम चाहेंगे कि उन नेताओं के लिए भी हम कहना चाहेंगे कि 4 साल आप भी नेतागिरी कीजिए उसके बाद फैमिली को टाइम दीजिए, काहेला माथा पका रहे हैं आप, देश में और भी टैलेंट हैं और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रबुद्ध जैसे हैं लोग जो कि नेतागिरी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको मौका दीजिए, आप भी फैमिली को टाइम दीजिए उसके बाद दूसरा बिजनेस कीजिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो जाके स्कूल खोलिए, पढ़े लिखे हैं तो और भी दूसरा दूसरा काम है, अनपढ़ हैं गवार हैं जाहिल हैं, मैं नेताजी सुनिए, मैं नेताओं को मैं बोल रहा हूँ, बने हो बड़ा उपदेश वाचक बने हो ना, तो सुनो ये संतोष रेणु यादव बोल रहा है, अगर आपके पास नेताजी 4 साल के बाद फैमिली को टाइम देने के अलावे लगे कि हाँ कुछ बिजनेस करना चाहिए, अनपढ़ हो जाहिल हो गंवार हो, तो सुनो जाके भैंस चराओ, ठीक है, और उसमें भी ये मत कहना कि भैंस चराने वाले जाहिल होते हैं गंवार होते हैं, भैंस चराओ क्योंकि उसमें भी टेक्निक होती है, उसमें तुमको सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है, जाकर के जानवर को फॉलो करो, भैंस चराने वाले लोग इतने इंटेलेक्चुअल होते हैं जो इंसान क्या क्या जानवरों की भाषा को भी भली भांति समझते हैं और वो जानते हैं कि जानवर भी मनुष्य से प्यार करते हैं, तो जाकर के वहाँ सीखो और यहाँ पे आकर के देश के युवाओं को गुमराह करने वाला उपदेश मत दिया करो, मैं उपदेश जो आप दे रहे हो ना मैं भी समझ रहा हूँ और देश के युवा भी समझ रहे हैं, आरा में 2 लोग फांसी लगा लिए, क्या कोई नेता लोग हैं जो उन दोनों बच्चों को ला करके दे देंगे उनके माँ बाप को? नहीं, कोई नहीं दे सकता है, पूरे देश में इतने लोग आत्महत्या कर लिए इस योजना के सुनने के बाद, क्या ये लोग नेता लोग कुछ जवाब देंगे, क्या इन नेताओं से कम उनकी जान की कीमत थी है? लोग दौड़ते हैं, भोर में दौड़ते हैं, 4 बजे से दौड़ना शुरू करते हैं, रोड पे दौड़ते हैं, उनके पास संसाधन नहीं होता है, फील्ड नहीं है, रोड में दौड़ना शुरू करते हैं, रोड पे गाड़ी आती जाती है, कितना जान को खतरा में डाल करके वो देश के लिए मर मिटने की बात सोच करके वो करते हैं ना है? आज आर्मी में मैं कहता हूँ कि जब ये बात बोल रहे हो कि ये जैसे हम ये कर रहे हैं कि सभी लोग को हथियार का टैलेंट हो या ये हो वो सबको ये मिले, तो फिर नेतागिरी में भी, नेतागिरी बाद में ये कानून क्यों नहीं आता है कि चुनाव वही लोग लड़ सकते हैं जो 4 साल पहले जा करके देश की सेवा करें, 4 साल जा करके बॉर्डर पे हथियार उठा करके लड़ाई लड़ें देश के लिए, ये नेतागिरी में क्यों नहीं शामिल होता है? कह रहे हैं कि बाकी सारे देश में भी ये पहले से लागू हो चुका है, ये सब 4 साल 2 साल 3 साल इज़राइल सब में चलता है, तो 4 साल 3 साल 2 साल तो वहाँ पे सबके लिए है ना, ऐसा थोड़े है कि सिर्फ गरीब गुरबे के लिए है, ये सब गरीब गुरबे के लिए ना है, जैसे आखिर आज इज़राइल आप अमेरिका की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे है कि आप जन्म लेते हैं, तो जन्म लेते हैं उसी समय से आपकी सारी जिम्मेवारी सरकार के ऊपर चली जाती है, आपकी हेल्थ, आपकी क्वालिटी एजुकेशन, उसके अलावा बहुत सारी आपकी पहनावा ओढ़ावा खान पान बहुत सारी चीज़ें, पेरेंट्स को कोई चिंता नहीं होता है, इन चीज़ों को क्यों नहीं बोलते हैं आप, ये देंगे आप, ये आप देंगे जैसे हिंदुस्तान में देंगे आप दीजिए, मैं अपने सभी बच्चों को मैं भेजता हूँ 4 साल क्या 8 साल 2 साल जितना आप कहेंगे, लेकिन आप हिंदुस्तान को देंगे, आपके बच्चे
बड़े बड़े कॉन्वेंट में पढ़ें, आपके बच्चे जाकर के विदेश में पढ़ें, उनके लिए फैसिलिटीज अलग हो, और फिर गरीब गुरु जो गरीब गुरुए के बच्चे हैं वो क्या करेंगे? आज सेना में कौन जाते हैं? सेना में वही जाते हैं जो कहीं ना कहीं दिल में देशभक्ति का जज्बा रखते हैं और बहुत गरीबी से उठते हैं, जो मिट्टी की इज्जत को जानते हैं, मिट्टी का कद्र करते हैं, वही लोग सेना में जाते हैं। NDA के तरफ से सब एक भी जवाब नीतीश जी की तरफ से नहीं, इतना प्रदर्शन हुआ, इतना ट्रेन जलाया गया, कुछ भी शांत करने के लिए नहीं बोले? बोलेंगे, बोलना चाहिए उन्हें भी, अगर नहीं कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो भी इस स्कीम से संतुष्ट नहीं है। देखिए, हम वही कह रहे हैं कि कोई लोग भले नेतागिरी में लोग जैसे बात कर लें, ये हमें लगता है कि ये किसी विदेशी ताकत के द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया गया है, कानून है किसी विदेशी ताकत के द्वारा, जो यहाँ के जो सत्तासीन जो लोग हैं उनको वो लोग किसी प्रेशर में लिया है, हो सकता है कोई विशेष कर्ज वो लोग दिया होगा इंडिविजुअल, उसके प्रेशर में ला करके किया गया है। कुल मिला के आप इस अग्निपथ अग्निवीर वाले स्कीम से नारुष्ट हैं, खुश नहीं है, जैसे और छात्र लोग हैं जो नहीं चाहते हैं? बीते दिन आपने देखा होगा कि पत्रकारों को भी प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया, ये कितना उचित है? मैं जिस वक्त जानकारी मिली उसी वक्त मैं जिस थाने में गिरफ्तार किया गया था उस थाने तक गया मैं, क्योंकि यहाँ तो अब बताइए ना, जैसे जो मीडिया बंधु हैं वो समाज के चौथे स्तंभ हैं, और जब उन्हें चुप करने की कोशिश की जा रही है, आज तक तो हमें जो जैसे कुछ न्यूज़ वाले जो बंधु हैं जो कि बड़े बड़े नेशनल न्यूज़ अपने आप को बोलते हैं, वो अपनी जो जब जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए किन्हीं से, तो एक सवाल का एक लिस्ट बनाते हैं और वो सवाल नेताजी के सामने रख देते हैं कि नेताजी ये सवाल है, इसमें से कोई दिक्कत तो नहीं ना, इसमें से अगर दिक्कत है तो उसको काट दीजिए, तो नेताजी के अनुसार वो सवाल पूछते हैं। मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज नेता, नेता होता क्या है? मैं पूछता हूँ नेता होता क्या है? नेता को रगड़िए, ठीक है? वो नेता जो है वो खुद को झुलसाता है ना जी चुनाव जीतने के लिए, सही बात, लेकिन चुनाव के दौरान तक ही, हाँ, चुनाव जीतने के बाद उसकी सारी झुलस समाप्त हो जाती है, उसके चेहरे पे चार्मिंग आ जाती है। क्यों भाई, क्यों ये चार्मिंग कहाँ से लाते हो? उसको फिर से रगड़िए, फिर से झुलसाइए। ये समाज के चौथे स्तंभ मीडिया का काम है, और मीडिया जब सवाल पूछे तो आप उन सवालों का जवाब देने से बचने के लिए आप उसको उठा करके थाने में डाल दें, तो फिर तो मैं तो जाऊंगा ना मीडिया की तरफ से, मैं तो मीडिया को सपोर्ट करूंगा ना, क्योंकि मीडिया जनता के सवालों को हम लोगों तक लाती है, सत्ता तक लाती है, तो हम तो जनता के साथ हैं। अगर आप जनता के लिए अच्छी काम करेंगे, अगर आप भी गोदी मीडिया बन जाएंगे तो मैं आपका भी बायकॉट करना शुरू कर दूंगा। अगर कोई गोदी मीडिया को जा करके जेल में डाल दे तो हम इसे क्यों बोलने जाएंगे? डालो जेल में, उसको डाल दो, उससे कोई हमको मतलब नहीं। लेकिन जो निष्पक्ष मीडिया है अगर उनको आप इंडिपेंडेंट जो काम कर, हाँ, जो इंडिपेंडेंट काम करते हैं तो उन्हें तो मैं सपोर्ट करता हूँ। गए सर तो वहाँ पे क्या हुआ था? गए तो विकास राज ये सब अंदर थे। हाँ, मैं विकास राज एक्सपोज, हाँ, एक्सपोज मीडिया उनका है, एक और हमजा जी हैं एक्टिविस्ट वाले, एक्टिविस्ट वाले, और एक लोग और थे, तो उन लोग को इससे बैठाए हुए थे, मुझे जानकारी। आप अंदर भी गए थे बात करने के लिए? हाँ, इसलिए हाँ, पूछ रहे हैं। हाँ, मैं गया था, मैं अंदर गया था, मैंने वहाँ पे जो प्राधिकारी महोदय थे मैंने उनसे बात किया, फिर उन्होंने कहा कि कुछ प्रोटोकॉल है सर, उसके बाद फिर हम लोग इनको छोड़ देंगे, फिर उसके बाद अगले दिन उनको छोड़ भी दिया गया। चलिए, बहुत गहमा गहमी वाली सवाल हो गया, अब इनसे थोड़ा कुछ सुरीले आवाज़ में कुछ दो चार लाइनें सुना दीजिए, अभी अग्निपथ का माहौल है उसी पे थोड़ा सा एक बढ़िया सा हो जाए हमारे श्रोता जो देख रहे हैं, जो व्यूअर हैं उनके लिए। अभी अग्निपथ पे मैंने एक गाना गाया जो मेरा संतोष रेणु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, अच्छा लोग सुन रहे हैं उसको, बहुत अच्छा प्यारा आशीर्वाद दे रहे हैं, कमेंट पढ़िएगा उस गाने का, बहुत पॉजिटिव कमेंट है, लाइक भी बहुत है। गीत लिखा हुआ है अरुण बिहारी जी का जी, बहुत अपर लेवल के कवि हैं, कुछ ऐसे हैं। धह 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 का तावेद सवा अग्निपथ के आग में, कैसन नियम बनावल जाता नव युवक के भाग में, जदि शासन बेलगाम हो जाई तदे सवा गुलाम हो जाई,
जदि शासन बेलगाम हो जाई तद सवा गुलाम हो जाई। तो सब लोग जागिए, ये बहुत अच्छा, बहुत सुरीला लगा। जो भी हमारे साथ जो हमारे भाई बंधु हैं वो लोग भी एकदम पूरा मंत्र मुग्ध हो गए थे जी। यही भाई बंधु के बदौलत तो संतोष रुण यादव जी, एक आध गो और हो जाए, इसमें बहुत मज़ा आ गया था। एक थोड़ा सा तो एक गाना मैं गाता हूँ जिसको अपने मर्जी से ही जो अच्छा लगे आप। मैं जब जेल से बाहर आया था जी, तो जेल से बाहर आया तो हमको साजिश करके जेल भेज दिया गया था। वहाँ से बाहर आया, हर की जेल भेजाओ चाहे सेल कराओ चाहे बान दे हाथ कड़ी, ये मैंने गाना गाया था उन लोगों के लिए जिन्होंने साजिश करके मुझे जेल भेजाया। जेल भेजाओ चाहे सेल कराओ चाहे बान दे हाथ कड़ी, ताहीं अहिर के असली बेटा मोछ पर फरक ना पड़ी। मैं जैसे बोलता हूँ वैसे बोलता रहूँगा जनमानस के लिए। जातिवादी नहीं हूँ मैं, अहिर हूँ, इसका मुझे प्राउड है, मुझे गर्व है, लेकिन मैं सबका सम्मान करता हूँ और मैं उन लोगों को मैं आड़े हाथों लेता हूँ जो अहिरों को दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं, जो अहिरों को टारगेट करते हैं, मैं उनको रगड़ के रख देता हूँ। मैं सम्मान सबका करता हूँ, चाहे आप जनरल हों, ओबीसी हों, एससी एसटी हों, अल्पसंख्यक हों, सबका मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन सबका सम्मान करता हूँ तो ये दिल में इच्छा भी होती है कि सामने से भी सम्मान मिले, और सम्मान देते हैं आप तो ये आपके संस्कार की बात है। आप सम्मान नहीं देते हैं ये आपके संस्कार की बात है, लेकिन अगर आप अपमान करेंगे तो अपनी नीति और अपने सिद्धांत के तहत चल करके आपको रगड़ तो देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हमारे दर्शकों को थोड़ा अपील कर दीजिए आप अपने तरफ से। आप क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी आपको लगे बातचीत के दौरान, जो भी लगे कि हाँ, जो कमेंट आपको लगे आप कमेंट कीजिएगा निष्पक्षता से, क्योंकि संतोष रुण यादव हमेशा खरा खोटा रहता है। मैं नमक से बहुत प्यार करता हूँ, नमक बहुत प्यार करता हूँ, नमक के जैसा मैं खरा हूँ, नीम के जैसा कड़वा हूँ, फ़ायदेमंद हूँ, नुकसान नहीं दूंगा। इसलिए जो कमेंट हो कीजिएगा अपनी इच्छा से, हृदय से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इनके चैनल को। और मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिस पे लगातार गीत संगीत आ रहा है, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोटि कोटि प्रणाम, आप भगवान हैं मेरे लिए, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो फिर संतोष रुण यादव का कोई वजूद नहीं होता, मैं दावे के साथ कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं संतोष रेणु भैया से। आगे और नए प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देंगे, जैसे ही ये फ्री होंगे इनसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।